Hello friends, welcome to Jupiter Classes. Myself Anu Sharma and I am here to discuss some most important current affairs. And your first current affair is, where was the India's first digital National Museum of Epigraphy inaugurated? Your options are Hyderabad, second option is Bangalore, third option is Chennai and fourth option is Jaipur. So the correct answer for this question is Hyderabad. Okay, moving towards the next question. Our second question is, Trips parvispinus, recently seen in news, belongs to which of the following species? ठीक है, ये जो आपके पास नाम दिया गया है यहाँ पे, ये किस स्पीशीज से बिलोंग करता है? तो आपके पास पहला ऑप्शन है इन्वेसिव पेस्ट स्पीशीज, सेकेंड ऑप्शन इज बटरफ्लाई, थर्ड ऑप्शन इज स्पाइडर एंड फोर्थ ऑप्शन इज फिश. ठीक है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है इन्वेसिव पेस्ट स्पीशीज. यह है इसकी फिगर. ओके, एंड इट कॉजेस थ्रेट टू द एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, ये पेस्ट जो हैं ये एक या तो इंसेक्ट होगा लाइक जो आप देख रहे हैं, या फिर कोई भी एनिमल हो सकता है. पेस्ट एक्चुअली में कोई भी एनिमल या इंसेक्ट होता है जो आपके प्लांट्स को या फूड को जो है डैमेज करता है. ठीक है, तो हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने क्या किया, उन्होंने जो है रिवील किया है राज्यसभा में कि ये जो ऑर्गेनिज्म है थ्रिप्स पैरिस्पाइनस, ये जो है एक इन्वेजिव पेस्ट है. ठीक है, और इसने जो है जो इट हैज स्प्रेड ग्लोबली कॉजिंग इकोनॉमिक लॉसेज एंड वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉज किए गए हैं. और इसको ओरिजिनली फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया था इंडिया में इन 2015 में. ठीक है, तो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हेज गियनगॉब हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज ए प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री. हेग गियनगॉब जो हैं वो किस कंट्री के प्रेजिडेंट रह चुके थे. फर्स्ट ऑप्शन इज अंगोला, सेकेंड इज बोट्सवाना, थर्ड इज जाम्बिया एंड फोर्थ इज नामीबिया. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नामीबिया. ये रहे वो प्रेजिडेंट एंड द कैपिटल ऑफ नामीबिया इज विंडहोक. ठीक है, अंगोला जो है आपके पास जो दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन, इसकी कैपिटल जो है वो है लुआंडा. बोट्सवाना जो है उसकी कैपिटल है लेबॉन एंड जाम्बिया इसकी कैपिटल है लुसाका. हेज गियनगॉब जो है वो सिंस 2015 से जो है प्रेजिडेंट रहे थे नामीबिया के एंड ही वॉज द थर्ड प्रेजिडेंट ऑफ दर कंट्री. ओके, मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अभ्यास रिसेंटली सीन इन न्यूज. बेस्ट डिस्क्रिप्शन अभ्यास की कौन सी है इनमें से? ऑप्शन हैं आपके पास. फर्स्ट ऑप्शन इज ए ट्रांजिट मेथड टू डिटेक्ट प्लैनेट्स, सेकेंड ऑप्शन इज ए हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, थर्ड ऑप्शन इज ए सैटेलाइट एंड फोर्थ ऑप्शन इज ए नेक्स्ट जनरेशन स्टिल्थ एयरक्राफ्ट. ठीक है, तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज ए हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट. ठीक है, एंड इट वॉज डेवलप्ड बाई DRDO, जिसकी फुल फॉर्म है आपके पास डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज मेरा गाँव मेरी धरोहर प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री. ठीक है, तो मेरा गाँव मेरी धरोहर प्रोग्राम जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? फर्स्ट ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेकेंड इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड लास्ट ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. ठीक है, और ये कब लॉन्च किया गया था ये प्रोग्राम? लॉन्च्ड इन जुलाई 2023. किस लिए लॉन्च किया गया था ये प्रोग्राम? टू एक्सप्लोर द इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज और लोगों को फोस्टर करें ताकि जो है लोग इसको अप्रिशिएट करें और जो भी हमारे रूरल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे जो है आर्टिस्टिक डेवलपमेंट हो सके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.